चार्जिंग का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमने पढ़ा है BQIC का चार्जिंग प्रोसेस किस तरह से वो काम करता है और किस तरह से स्टेप्स हमें फॉलो करनी है नो चार्जिंग में। इसी तरह से हमने कॉलकॉम और मीडियाटेक और सैमसंग सब का चार्जिंग प्रोसेस देखा और हर लाइन का मतलब देखा। स्मार्टिक में हर लाइन का क्या मतलब है, कितना बोल्ट चलता है उस पर क्या है, और हमने देखा कि अगर नो चार्जिंग का इशू आता है तो हमें क्या चेक करना है, फेक चार्जिंग के इशू में क्या क्या चेक करना है और कैसे कैसे करना है, चार्जिंग एरर में क्या क्या चेक करना है, कैसे कैसे करना है, ये सारा हमने देखा है। ठीक है, तो एक सबसे पहला सवाल हम अपने मोहित भाई से करेंगे। सवाल वो जो किसी और का है वो हमसे लेना चाहते थे, लेकिन हम बताएंगे कि ये जवाब तो क्या है, स्टूडेंट भी दे सकते हैं ठीक है, अगर उन्हें पढ़ाया जाए तो। बहरहाल मोहित भाई ज़रा मुझे बताइएगा, RC यानी क्लॉक, यानी CLK यानी क्लॉक, ये क्लॉक क्या है? सर क्लॉक एक फ्रीक्वेंसी है सर। क्लॉक एक फ्रीक्वेंसी है, कहाँ से निकलती है ये, कौन जनरेट करता है ये? सर इसको सर क्रिस्टल जनरेट करता है। इसको क्रिस्टल जनरेट करता है, ठीक है ठीक है, बस हाँ नाम नहीं लेना ठीक है। तो इसको क्या क्रिस्टल जनरेट करता है, तो बहरहाल चलिए आगे चलते हैं अपना चार्जिंग चैप्टर पे। और इस पे क्लॉक पे मैंने अब से कम एक साल से भी ज़्यादा पहले क्लॉक और फ्रिक्वेंसी एनालॉग डिजिटल क्रिस्टल इस पे दो पार्टों में अपने ही चैनल पे पब्लिकली दो वीडियो डाले हुए हैं, Part 1 Part 2 करके। अगर कोई जिसको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो वो हमारे चैनल पे जाके क्रिस्टल पे दो पार्टों में एक साल पहले के दो पार्ट पड़े हुए हैं, जिन पे मैंने एक साल पहले ही पूरी डिटेल बताई है, वो देख सकते हैं जो देखना चाहें। पहले यार अपना चार्जिंग का इंटरव्यू है आज आप लोगों का, तो उस पे देखते हैं ठीक है। तो ज़रा मुझे मोहित भाई आपसे ही कुछ सवाल करूँगा मैं, यहाँ बताइए ये जो लाइन है यहाँ पे, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है ये? इस लाइन सर ये 5 वोल्ट वीबस लाइन है, 5 वोल्ट की, आईसी में इन हो रही है। ठीक है, अच्छा मोहित भाई ये आईसी में तो इन हो रही है, लेकिन यहाँ पे तीन जगह से इन हो रही है, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 10, यहाँ लिखा है 11। जी 1, 10, 11 ये किस चीज के नंबर है, ये पिन के नंबर है या बॉल्स के नंबर है, क्या है ये? ये सर आईसी की बॉल के नंबर है, बॉल के नंबर 1, 10 और 11। बहुत बढ़िया, यानी कि इससे ये समझ आता है कि बॉल नंबर 1, 10 और 11 से ये क्या है, तीन बॉलों से आगे इंटर कर रही है। बहुत बढ़िया मोहित भाई, बहुत अच्छे। अच्छा मोहित भाई, जब 5 वोल्ट हमारी चार्जिंग आईसी में इंटर कर देते हैं तो उसके बाद में सबसे पहली कौन सी लाइन बनती है? उसके सर कौन से वाले, मीडियाटेक में या कॉलकॉम? मीडियाटेक और कॉलकॉम दोनों में एक लाइन पाई जाती है, मैंने जो बताई थी इंटरनली लाइन 5 वोल्ट की, वो कौन सी है ये बताइए? तो MID लाइन है। MID यानी ये तो नहीं है, ये तो नहीं है आपकी स्क्रीन पे है? हाँ जी हाँ जी, यही है सर। अच्छा, तो मुझे अगर इस पे क्या चेक करना पड़ेगा, कितने वोल्टेज चेक करना पड़ेंगे इस पे सर? देखना पाने 5 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं, अगर नहीं आ रहे तो मतलब कि चार्जिंग आईसी में दिक्कत है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मोहित भाई थोड़ा सा बताइएगा मुझे वोल्टेज के बारे में, एक बात और बता दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, इसका क्या मतलब है और ये क्या है ये बता दीजिए। सर ये बूट कैप है सर, जो अपना चार्जिंग आईसी से ही मतलब कि अटैच होता है। ठीक है, हाँ जी, इस पे अगर इसमें भी प्रॉब्लम हो तो तभी भी अपना चार्जिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये एक साइड क्या है आईसी से कनेक्ट रहता है, एक साइड BPH लाइन से, तो जरा आप एक्सप्लेन करके बताएंगे मोहित भाई इसका वोल्टेज क्या रहता है, इस पे वोल्टेज कितने रहते हैं? सर एक साइड इसका रहता जो अपना BPH होता है 3.7 से 4.2 जो भी रहेगा फोन का, उस हिसाब से इसकी आएगी, और दूसरी साइड 7 से 8 वोल्ट आते हैं इसके। ठीक है, एक साइड क्या है हमारा 7 या 8 वोल्ट के अराउंड रहता है अंदर वाली साइड, और एक साइड BPH। ठीक है मोहित भाई, आपके जवाब ठीक थे, आप अपना माइक बंद कर लीजिए। ओके, काफ़ी अच्छे जवाब दिए मोहित भाई ने हमारे, और हम अब बात करेंगे अपने सुमित भाई से। सुमित भाई
माइक खोल लीजिए। सुमित भाई, आपसे छोटा सा एक सवाल है, मुझे इसमें ढूंढनी है अपनी बीपीएच लाइन, तो मुझे आप बताइएगा जरा, मुझे बीपीएच लाइन पे इंटरनली अंदर कॉलकम के अंदर अंदर वाली साइड क्या लिखा होता है बीपीएच लाइन पे, यहाँ पे, यहाँ मतलब कहाँ कहाँ पे क्या लिखा होगा बताइए। बीपीएच लाइन के बी बैच लिखा होगा, स्विचिंग ये स्विचिंग लिखा की, होगा। हाँ, स्विचिंग स्विचिंग की लाइन पे, यानी तो इनमें बताइए ये कौन सी लाइन है, अच्छा ये बता दीजिए, चलिए छोड़िए, ये स्विचिंग लाइन है, ये स्विचिंग की लाइन है, यानी स्विचिंग लाइन है। हाँ, इस पे एस डब्ल्यू या बी एस डब्ल्यू लिखा मिल सकता है जैसे कि लिखा हुआ है, ये स्विचिंग की लाइन है, यानी कि ये बीपीएच लाइन है। तो बीपीएच का वोल्टेज बता दीजिए जरा स्मित भाई, बीपीएच की लाइन 3.7 से 4.2, 3.7 से लेके 3.7 से 4.2, 4.2। ओके, बहुत 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 बढ़िया। अच्छा सुमित भाई, ये लाइन जो यहाँ से लौट के ये वापस आ रही है यहाँ पे आईसी के अंदर, यहाँ देख रहे हैं ना, बीपीएस से लौट के अंदर आ रही है, अगर ये लाइन यहाँ से लौट के अंदर हाँ। ना आए, ये वोल्टेज पूरा अंदर ना आए, तो फोन चार्ज होगा या नहीं होगा चार्ज? नहीं होगा, नहीं नहीं। होगा चार्ज। अच्छा बताएंगे सुमित भाई क्यों नहीं होगा चार्ज? क्योंकि उसका ये लाइन नहीं आएगा तो आईसी को पता नहीं चलेगा वो बीपीएच निकलता है कि नहीं। हाँ ठीक है, मतलब बीपीएच का ये लौट के अंदर आना, बीपीएच लौट के आईसी में इन करना, ये जरूरी है। चलिए सुमित भाई माइक बंद कर लीजिएगा, और जैफा भाई माइक खोलिए अपना। जी सर, जैफा भाई आपकी आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही है, प्लीज़ थोड़ा सा ज़ोर से बोलेंगे थोड़ा सा। और जैफा भाई आप मुझे ये बताइएगा, ये जो बीपीएच लाइन गई है, ठीक है, तो मैंने जैसे पढ़ाया आपको, ये लौट के देखिए अंदर आ रही है, आ रही है बीपीएच के नाम से ये अंदर आ रही है, तो यहाँ पे अगर ये लौट के अंदर नहीं आई तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होंगे? ये लौट के नहीं आई तो बैटरी चार्जिंग नहीं होगी बैटरी चार्ज नहीं होगी, यानी कि मेरी, वीबैट की लाइन बनेगी या नहीं बनेगी? वीबैट नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, ठीक है। ये लाइन इंटर करेगी तो वीबैट जनरेट होगी। ठीक है, ये लाइन इंटर करेगी तभी क्या है वीबैट बनेगी। थोड़ा सा आवाज़ मुजफ्फर भाई बहुत हल्का आ रहा है आपका। और एक सवाल मुजफ्फर भाई आपसे और हम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है बी बैट पावर, तो ये कौन सी लाइन है थोड़ा सा बताएंगे? ये बी बैट लाइन है बी बैट सर, लाइन है, तो बी बैट लाइन पे मुजफ्फर भाई चार्ज, फोन को चार्ज करने के लिए, चार्ज होने के लिए कम से कम कितना वोल्टेज होना जरूरी है एक बैटरी को चार्ज करने के लिए? एक मिनट सर, आपका आवाज, क्वेश्चन रिपीट करिए सर। मैं बोल रहा हूँ सफर भाई, एक फोन को चार्ज होने के लिए बैटरी के जैक पे कितना वोल्टेज पहुंचना जरूरी है अभी बैट पर ओके, बी बैट पर? 3.7 टू 4.2। ठीक है, कम से कम 3.7, ठीक है, आपका जवाब एकदम ओके है, सही बताया। आप अपना माइक बंद कर लें जफर भाई, और लोगों से भी हम पूछेंगे थोड़ा थोड़ा, सबसे पूछेंगे, तो देख लेते हैं, और सबके नाम मुझे ध्यान नहीं रहते। मिर्ज़ा इमरान भाई, ज़रा आप अपना माइक खोल लें। इमरान भाई आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, अच्छा ठीक है, हाँ आ रही है सर, थोड़ा मुझे, नेटवर्क इशू है सर एक्चुअली। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा इमरान भाई, ज़रा मुझे कुछ लाइन है इस मैटिक में, इनका ज़रा मतलब बता दीजिए, जैसे यूएसबी डीपी, यूएसबी डीएम, ये क्या काम करती हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो कर दीजिए। जी हाँ सर, यूएसबी डीपी मतलब चार्जिंग कनेक्टर से जो डेटा प्लस और डेटा माइनस की लाइन होती है सर ये तो। अगर ये लाइन शॉर्ट हो जाती है या और कट ये हो सर जाती है तो फोन चार्ज होगा या फेक चार्जिंग पे जाएगा? सर चार्ज तो होगा लेकिन पीसी में या फिर डेटा ट्रांसफर नहीं होगा सर, कनेक्ट कनेक्ट क्यों नहीं होगी उसकी। डाटा ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन अगर ये शॉर्ट हो जाएगी तो फोन फेक चार्जिंग पे भी चला जाएगा, ठीक है, फेक चार्जिंग पे चला ओके जाएगा, सर, चार्जिंग शो करेगा लेकिन परसेंटेज नहीं बढ़ेगी, ये शो आएगा। और अगर आप देखें थोड़ा सा और, मैं आपसे पूछूंगा, ओके यहाँ लिखा है बैट एस एन एस पी बैट, ठीक है, हालांकि दोनों लाइनें एक ही हैं,
तो इसका थोड़ा सा मुझे समझा दीजिए क्या लाइनें हैं दोनों। सर ये फीडबैक सेंस पॉजिटिव है, यहाँ से मतलब बैटरी कनेक्टर सेंस करेगा वो। हाँ ठीक है, ये क्या है बैटरी के बैटरी को बैटरी की परसेंटेज साइंस करने की लाइन है, ठीक है ये बताया आपने ना। हेलो, जी अच्छा ठीक है यही बताया तो ठीक है, जी मैं जी सर जरा कॉल आ गई थी तो मैं उधर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। चलिए मास्टर माइंड ट्यूब, आपका नाम तो मैं भूल ही जाता हूँ क्योंकि आईडी मास्टर माइंड ट्यूब लिखा रहता है, तो थोड़ा माइक खोल लीजिए। हाँ सर बोलिए। तो आपसे थोड़ा सा एक सवाल है, आपका नाम क्या है थोड़ा बताएंगे। इमरान नाम है सर, इमरान शेख। अच्छा, इमरान शेख हैं आप, ठीक है इमरान भाई। तो इमरान भाई आपसे एक छोटा सा सवाल है, यहाँ पे लिखा है बैट आईडी बैट थरम, इन दोनों लाइनों का क्या मतलब है थोड़ा सा बताएंगे। बैट आईडी का क्या मतलब है? बैड ये सेंस करते हैं सर, क्या है? बैटरी लगी है या नहीं वो सेंस करते हैं सर। अच्छा ठीक है, यानी बैटरी आइडेंटिफिकेशन की लाइन है, ठीक है। बैट थरम इस लाइन का क्या काम है, ये क्या है? ये मतलब हीट हो रही है नहीं हो रही है वो बता दें। ठीक है, हीटिंग को साइंस करने के बैटरी लिए एक मतलब हीट लाइन तो है, नहीं हो रही है। ठीक है। ओके ओके, बहुत बढ़िया हाँ, इमरान हीटिंग भाई। के सेंस करते हैं। ठीक है इमरान भाई, आप बंद कर सकते हैं अपना माइक। तो ये चार्जिंग का स्मैटिक से आपने देखा, हमने सारा का सारा पूछा है। मोहित भाई आपसे मेरा एक सवाल रहेगा, थोड़ा सा अपना माइक खोल लीजिए, बाकी लोग माइक बंद कर लें। हाँ जी सर। एक फोन आया हुआ है मेरे पास में कॉलकम का, ठीक है चिपसेट लगा है, फेक चार्जिंग इशू हाँ है, तो स्टेप्स बता दीजिए मुझे, स्टेप 1 स्टेप 2, मुझे क्या क्या चेक करना पड़ेगा फेक चार्जिंग में। सर, मेरे को ना बीच में कॉल आ गई, दोबारा रिपीट करियो। अच्छा ठीक है मोहित भाई, आपसे हमारा सवाल ये है कि मेरे पास में एक फोन आया है एंड्रॉयड कोई भी फोन है, उसमें कॉलकम का चिपसेट लगा है, तो कॉलकम की चार्जिंग आईसी लगी हुई है 632 से, इसके जी अलावा और कोई भी, तो फेक चार्जिंग का इशू है उसमें, तो मैं कैसे उसको सॉल्व करूंगा, स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए बस। सर, पहले तो उसका चार्जिंग जैक चेक करेंगे या चेंज करेंगे, ओके या उसका कोई नीचे वाला सब बोर्ड है वो चेंज करेंगे। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हुआ तो उसके बाद सर उसका जो सीसी फ्लैक्स होता है वो भी चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना ओवीपी आईसी चेक करेंगे, उसमें 5 वोल्ट आउट हो रहे हैं या नहीं, प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं, स्टेबल हैं, ये सब चेक करेंगे। अच्छा, तो बूट कैप या बीपीएच कॉइल वगैरह चेक करने हाँ की जी, जरूरत है फेक चार्जिंग में? बीपीएच क्वाइल सर, डीएम बीपीएच क्वाइल सर, डीएमडीपी वगैरह चेक करने के ठीक है। लिए डीएम फेक डीपी चार्जिंग वगैरह है। चेक करेंगे, और अगर ये सारा ओके है तो हम बीपीएच कॉइल और बूट कैप को भी चेक करेंगे, क्योंकि कॉलकॉम के अंदर क्या है फेक चार्जिंग में इनका इशू रहता है, ठीक है। अगर ये सारा का सारा ओके है तो फिर हम क्या कर, लास्ट स्टेप क्या है, अपनी चार्जिंग आईसी को चेंज करके क्या है देख सकते हैं। ओके मेरे यार, काफी अच्छा इंटरव्यू रहा ठीक आपका, बढ़िया इंटरव्यू रहा, आपने अच्छे जवाब दिए आपने, और अच्छा एक इंटरव्यू रहा। ऐसे ही मेहनत करते रहेगा, मैं ये चाहता हूँ कि आप सारे लोग मेहनत करते रहें कंटिन्यू। और मोहित भाई, या आप में से जो भी बताना चाहें फीडबैक, क्योंकि आपको ही सुन के लोग ये कंफर्म करते हैं कि आप कैसा पढ़ रहे हैं, सर कैसा पढ़ा रहे हैं, कुछ नॉलेज है भी या नहीं है, तो आप में से जो भी चाहें मोहित भाई, इसके अलावा कोई भी आप में से फीडबैक जो भी देना चाहें, जो भी कहना चाहें 1-1.5 मिनट के अंदर, वो अपनी बात रख सकते हैं, और अपना जो लोग आपको देखेंगे उनसे अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो कोई भी आप में से अपना फीडबैक दीजिए कि कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, वो बता दीजिए, सच्चाई बताइए जो सच्चाई है वो। हाँ जी सर, कोई बोल रहा है या बोलूं? हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, मैंने अगर कोई घर पे
इसकी कोई शॉप है कोई, मतलब कि जिसके पास टाइम नहीं है ज्यादा और वो सीखना चाहता है, तो मैं बोलूंगा कि आपसे अच्छा ऑनलाइन चीप एंड बेस्ट प्राइस पे कोई भी नहीं सिखा सकता आप। हेलो हाँ जी मोहित भाई हमारे बोल रहे थे शायद, मोहित भाई बोल रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी सर, मोहित भाई बोल रहे हैं जो कि शायद पंजाब से हैं आप शायद, क्यों? हाँ जी, हाँ जी सर, पंजाब से। तो ये आपने मोहित भाई को सुना, और इसी तरह से हम सुमित भाई से जरा पूछ, सुमित भाई आवाज आ रही है आपको? नेटवर्क इशू हो रहा है सुमित भाई के पास। हाँ, नेटवर्क इशू सर, आज वाईफाई बंद है हमारा, अच्छा उस पे चल रहा है सिम अच्छा पे। हाँ जी, हाँ अच्छा अच्छा तो सुमित भाई हाँ जी, अभी बाहर आ गया हूँ। एक आध जुमला आपसे भी मैं लेना चाहूंगा, कुछ बताना चाहेंगे सुमित भाई? मतलब हम लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, लूट रहे हैं या नहीं लूट रहे हैं, कुछ ऐसा बताएंगे? नहीं सर, जो क्लास जबरदस्त हो रहा है, क्लास जबरदस्त हो रहा अच्छा है, है। हाँ अच्छा कंटिन्यू मेहनत करते हैं, कुछ छुट्टी वुट्टी तो नहीं मारते हैं, किधर छुट्टी कभी वहां घूमने निकल गए वहां निकल गए? नहीं, अच्छा कंटिन्यू ऐसा नहीं है, कंटिन्यू क्लास क्लास चल होती रहा है, कंटिन्यू नोट्स बनते हैं, कंटिन्यू बताया जाता है। अच्छा है। जी जी मुजफ्फर भाई आपसे एक सवाल है मेरा, मुजफ्फर भाई आवाज आ रही है? हाँ, यस ठीक सर, है, बोलिए। आपसे मेरा एक सवाल है मुजफ्फर भाई, ऐसा तो नहीं है कभी भी कोई भी चैप्टर मैंने पढ़ाया हो और जिसमें आपका कोई सवाल मन में आया, कोई डाउट मन में आया जो आपने किया और मैंने कह दिया हो नहीं यार इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, या फिर हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, या हर लाइन के बारे में बताया नहीं जा सकता, ऐसा कोई मैटर है क्या? नहीं ऐसा नहीं, तो आप जो भी डाउट रहता है वो आप बता देते हो, और मतलब मेन ऐसा है कि जितना भी लाइन है वो आप सारा कवर कर रहे हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि कोई बता रहे कोई छोड़ रहे, ऐसा तो नहीं होता है। सारा के सारा जो भी आईसी में पॉइंट होता है जरूरी, जिस चीज जैसे चार्जिंग सेक्शन चल रहा है तो चार्जिंग के लिए जो भी जरूरी है वो सब आप बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ छूटता नहीं है कोई पॉइंट वगैरह। चलिए लास्ट सवाल, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, अब ये बताइए आपका चार्जिंग चैप्टर पूरा हुआ है, अब मीडियाटेक क्वालकॉम सैमसंग कोई सा भी चार्जिंग का फोन आता है, आप आसानी से उसका फॉल्ट फाइंड करके उसको बना सकते हैं या नहीं बना सकते? यस या नो में बता दीजिए बस, सर बना सकते हैं, सर बना सकते हैं सुमित भाई सर आप? बना सकते हैं, सारे लोग बताइए बना सकते हाँ सर हैं? बना हो जाएगा सर, एकदम हाँ सर, हाँ ओके, बहुत खुशी है आपसे, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, सच में मेहनत करने वाला जो भी बैच होता है मैं दिल से उनको दुआ तो देता ही हूँ लेकिन खुश भी बहुत रहता हूँ उनसे जो मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं भी मेहनत करता हूँ आपके साथ, चाहता हूँ